फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें टुडे न्यूज़ चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को सबसे पहले खबरें पाने के लिए। महाराष्ट्र पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने खुद को केंद्रीय मंत्री का रिश्तेदार होने का दावा करके कथित रूप से घर खरीदार से 4 लाख रुपए की धोखाधड़ी। मुंबई पुलिस ने इस घटना के बारे में आज जानकारी दी। मुंबई पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक 38 साल के सुनीत रतन प्रीतम अठावले ने महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण MHADA के एक फ्लैट के फर्जी दस्तावेज देकर शिकायतकर्ता हकीम सलीम शाह से 4 लाख रुपए धोखा से ले लिए। सुनीत रतन प्रीतम अठावले पर आरोप है कि उसने बोरी के शिमपोली क्षेत्र में मकान आवंट के फर्जी कागज तैयार किए और उस पर NHADA अध्यक्ष उदय सामंत के फर्जी हस्ताक्षर किए और उसे शाह को दिया। वकोल पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने बताया जब शाह फ्लैट पर पहुंचे उन्होंने वहां किसी और को पाया। उन्होंने MHADA में काम करने वाले अपने एक दोस्त से बात की और तब उन्हें पता चला कि आवंट पत्र फर्जी है। इसके बाद अठावले ने शाह का फोन उठाना बंद कर दिया जिसके बाद उन्होंने पुलिस में 4 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें टुडे न्यूज़ चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को सबसे पहले खबरें पाने के लिए।